नजरीन, बोस्निया के मुसलमानों के बदतरीन कत्लेआम को 25 साल बीत गए। 11 जुलाई 1995 सर्बियन फौज ने जुल्म व बर्बरियत की जो दास्तान रकम की उसे भुलाना मुसलमानों के लिए शायद मुमकिन नहीं। नजरीन, मुसलमानों की नस्ल कुशी की खून आलूदा तारीख 90 की दिहाई से शुरू हुई थी। 1990 की दिहाई में जब यूगोस्लाविया के टुकड़े हुए तो कई मुस्लिम तनाजियात ने जन्म लिया और बोस्नियाई जंग भी इन्हीं तनाजियात में से एक थी। नजरीन, इस कत्लेआम का मास्टरमाइंड जनरल मलादोच दूसरे जर्नेलों के साथ शहर में दाखिल हुआ और फौरन मुसलमानों की असमत दरी और कत्लेआम का आगाज हुआ। दोस्तों, इसी दौरान जब निहत्ते मुसलमान जान बचाने के लिए बसों में सवार हुए तो सर्बियन फौज ने नौजवान मुस्लिम लड़कियों को अलग किया। इंतहाई बेदर्दी के साथ इनका रेप किया गया और मुसलमान मर्दों को कत्ल कर दिया गया, जबकि इसके बाद ख्वातीनों और बच्चों को भी सरों में गोलियां मार दी गयी। नजरीन, हजारों मुस्लिम अफराद को फांसी दे दी गई और फिर बिलडोजरों के जरिए इनकी लाशों को इज्तिमाई कब्रों में धकेल दिया गया, जबकि बाज अफराद को जिंदा दफन कर दिया गया। नजरीन, ख्वातीन और बच्चों की असमत दरी की गई और इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नजरीन, बोस्निया में 1992 से लेकर 1995 तक जारी खाना जंगी के दौरान तकरीबन 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया, जबकि आज भी हजारों अफराद की लाशों का पता नहीं लगाया जा सका। नजरीन, ये वो वक्त था जब दुनिया भर के मुसलमानों ने चुप का रोजा रख लिया था। ऐसे में हमेशा की तरह और दुनिया भर के मुसलमानों के गम में शरीक पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने बोस्निया के मुसलमानों की मदद की और पाक फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अपने मुसलमान भाइयों को हर मुमकिन मदद फराहम की और पाक फौज ने न सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों को हर मुमकिन मदद फराहम की बल्कि पाक फौज के जवान अमली तौर पर इस जंग में शरीक हुए। नजरीन, इसी जंग में सर्बिया के जालिम फौज को मगरिब की भरपूर मदद हासिल थी ताकि बोस्नियाई मुसलमानों को फैलने से रोका जाए। नजरीन, जेरी नजर तस्वीर 1995 की जंग बोस्निया की है जिसमें एक बोस्नियाई फौजी अपने गांव को आजाद करने के बाद दरख से लगकर रोता है। जब उसे मालूम होता है कि इसके पूरे खानदान को दौरान जंग सर्बियन फौज ने शहीद कर दिया है। दोस्तों, इसी वजह से बोस्नियाई मुसलमानों से भी अकीदत इंतहाई जरूरी है। लाखों कत्ल हुए लेकिन भागे नहीं बल्कि लड़कर आजादी हासिल की। नजरीन, अगर जी बोस्नियाई मुजाहिदीन इंतहाई बहादुरी और जुरतमंदी के साथ लड़े मगर सर्बियन फौज को पूरी यूरोप और खासकर बर्तानिया की मदद हासिल थी और बोस्नियाई फौज के पास इतना असलहा और नफरी मौजूद नहीं थी जिसके जरिए वो दुश्मन को शिकस्त दे सके। नजरीन, पूरी दुनिया जुल्म का तमाशा देख रही थी, ऐसे में पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने बहर हाल अपने मुस्लिम भाइयों की मदद की और पाक फौज ने बोस्निया में खतरनाक और खुफिया गोरिला वार का आगाज किया। दोस्तों, उस वक्त ISI चीफ जनरल जावेद नासिर थे जिसने तमाम तर खतरात के बावजूद बोस्नियाई मुसलमानों को हर मुमकिन मदद फराहम की और पाक फौज के दस्ते खुफिया तौर पर बोस्निया रवाना कर दिए गए। दोस्तों, ये एक इंतहाई सख्त और खतरनाक ऑपरेशन था जिसका रिस्क पाक फौज और ISI ले रही थी। दोस्तों, इसी वजह से बोस्नियाई मुसलमान पाक फौज को अपना मसीहा और जनरल जावेद नासिर को हीरो मानती है जिसने सर्बियन फौज को ऐसी धूल चटाई कि आज तक सर्बिया ने बोस्निया की तरफ आंख उठाकर देखने की जहमत तक ना की। नजरीन, 7 जुलाई 1995 को सर्बियन फौज ने शमाल मशरी के इलाके सर्बिनिया में पेशकदमी करके एक टाउन पर हमला किया जहां से 4000 मुसलमानों को बेदखल किया गया और इनकी घरों को आग लगा दी गई। नजरीन, 13 जुलाई 1995 को 8000 मुसलमानों को शहीद किया गया जबकि औरतों का रेप किया गया। नजरीन, इस दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जनरल जावेद नासिर की क़यादत में बोस्निया के मुजाहिदीन को मुसल्ला करने का फैसला किया। दोस्तों, पाकिस्तान ने ट्यूना केन्स की बहरी जहाज बोस्निया भेज दिए जिस पर लिखा हुआ था गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान, मगर वो अंदर से खुराक के बजाय असलहे से भरे हुए थे। पाकिस्तान ने छोटे हथियारों समेत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से बोस्निया के मुजाहिदीन को मुसल्लह किया जबकि पाक फौज ने मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने का आगाज भी किया। नजरीन, पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाले असलहे ने बोस्निया जंग का नक्शा बदल दिया। पाकिस्तानी असलहे ने सर्बियन फौज की टैंकों और ट्रकों को राग में तब्दील करना शुरू किया। नजरीन, पाक फौज की दी हुई ट्रेनिंग ने बोस्नियाई फौज को हौसला दिया जिससे सर्बियन फौज को दुआदार शिकस्त का सामना करना पड़ा और चंद माह के दौरान हजारों सर्बियन फौजी वासिल जहन्नम हुए। नजरीन, 2011 में अक्वामे मुत्तहिदा के आलमी ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान से जनरल जावेद नासिर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जिसको पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया।
नजरिन इसके अलावा अक़वामे मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में अपनी अफवाज को बोस्निया भेज दिया, जहां मुसलमानों की कैंपों को सर्ब अफवाज से हिफाजत की जिम्मेदारी पाक फौज ने की, जबकि इन कैंपों में रहने वाले मुसलमानों को खाने पीने का सामान भी पाकिस्तान के खर्चे पर दिया जा रहा था। नजरिन इसके अलावा ISI ने मुजाहिदीन की इमदाद के लिए वहाँ अपने छोटे मराकज भी खोल दिए, जिसके बाद जंग का नक्शा बदल गया और ताकत के नशे में डूब सर्बियन फौज को सीज फायर पर मजबूर किया गया। नजरिन जब बोस्निया में अक़वामे मुत्तहिदा की दीगर फौजें शिकस्त खा गई और आलमी ताकतों ने बहाना बनाकर जंग से किनारकशी इख्तियार की, इस वक्त वाहिद मुल्क पाकिस्तान था जिसने अपनी फौजें वहां भेजी। नजरिन दुनिया के सख्त तरीन मिशन में 90 की दिहाई में होने वाला बोस्निया का मिशन था, जिसमें पाक फौज ने सर्बियन फौज को तिगनी का नाच नचाया। नजरिन जनरल जावेद नासिर की निगरानी में पाक आर्मी ने बोस्निया में इंतहाई सख्त ऑपरेशन किए और बोस्निया के मुसलमानों की आज़ादी में कलीदी किरदार अदा किया, इसलिए बोस्निया के मुसलमान पाकिस्तानों और अफवाज पाकिस्तान की इज्जत आज भी करती है। जनरल जावेद नासिर को अपना हीरो मानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने सिर्फ बोस्निया की ही नहीं बल्कि हर दौर और हर सूरत में अपने मुसलमान भाइयों की मदद की। अरब इसराइल जंग के दौरान जब पाकिस्तान ने अरबों की मदद की और चीगोस्लोवाकिया से हजारों की तादाद में राइफल्स खरीद कर अरबों को दी, नजरिन पाकिस्तान ने इस जंग में न सिर्फ माली मदद की जबकि अमली तौर पर इसराइल के खिलाफ इस जंग में शामिल हुआ। और इसी जंग के दौरान पाक फिजाया की शाहीनों ने इसराइल की 20 तैयारे मार गिराए, जो कि आज तक एक रिकॉर्ड है। नजरिन इसके बाद पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ अफगानिस्तान की मदद की और रूस जैसी ताकत को अफगान मुजाहिदीनों और पाक फौज ने मिलकर शिकस्त दी। रूस वो ताकत थी जिसके सामने किसी को खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, हत्ता कि अमरीका और फ्रांस जैसे सुपर पावर भी रूस का नाम सुनकर काम जाते थे। नजरिन 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने जिन ममालिक की मदद की, अगर आप इस पर तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।